हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये रहा सेटअप बॉक्स, इस सेटअप बॉक्स ऐसे चलता है जब डिश वाला वायर लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं तो सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है, ये किसके कारण होता है आप लोगों में दिखाने वाला हूँ। ठीक, ये रहा वायर, आप लोग जब इसमें लगाते हो तो सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है, उसके बाद फिर ऑन हो जाता है, उसके बाद चलने लगता है, ये किसके कारण होता है तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आप लोग फ्री में सीख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग अगर ऐसा हो रहा तो आप लोग वीडियो देखकर हमारे वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं, वो तरीका मैं बताने वाला, आपको डिश सेट करने वाले को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप लोग को लाइव करके दिखाते हैं ये किसके कारण होता है। और दोस्तों मेरी बात गौर से एक बात सुनना, अगर आपके सेटअप बॉक्स में ऐसा हो रहा है कि डिश वायर लगाने से सेटअप बॉक्स बंद हो रहा है तो आप लोगों को लगा के नहीं रखना है, पहले सही करना, उसके बाद नहीं आप लोगों का सेटअप बॉक्स ख़राब हो सकता है। फिर हमें मत कहना कि आपने ऐसा बताया कि मैंने ऐसा करके हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कहता हूँ, ना कि ख़राब करने के लिए, बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप लोगों में बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जैसा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सेटअप बॉक्स ऑन है, ठीक है, ये रहा डिश वाला वायर, ठीक, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं डिश वाला वायर लगाता हूँ क्या होता है देखना, देखो सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है, इसका कारण क्या है उसके बाद, ठीक है, आप लोग सही कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक, ये देखिए, ठीक, बंद हो रहा है, ये किसके कारण होता है, ये रहा सेटअप बॉक्स, जैसे कि हमने लगाया कि वायर लगाते ही बंद हो जाता है, ठीक। तो ये सब मत समझ लेना कि सेटअप बॉक्स ख़राब है, सेटअप बॉक्स से ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूँ किसके कारण होता है, ठीक। ये रहा कनेक्टर, ठीक, कनेक्टर आप लोग देख सकते हैं, ये बीच वाले इसमें दो वायर होते हैं, ठीक है, दो वायर होते हैं, इसका मतलब क्या है, बीच वाला बिल्कुल इसमें एक जालीदार वायर होते हैं, इसमें एक भी वायर वाले वायर से एक भी वायर टच नहीं होना चाहिए, ठीक। अब फिर क्या देखना है, फिर कहीं देखना है कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है, ये कैसे बंद हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहे डिश, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये रहा वायर, ठीक, आप लोग को देख सकते हैं, ठीक, इसमें अपने वायर में देखना कहीं कटा पिटा नहीं है, इसका मतलब बंद होने का कारण ये है कि वायर कहीं से जॉइंट हो चुका है, उसको सही करें, एक भी वायर जिसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे मैंने किया था आप लोगों को मैं बस समझाने के लिए किए थे, आप लोग ठीक कर सकते हो, ये देख सकते हो मैंने वायर लगाया था, इसमें दोनों मैंने टच होने हो गए थे, आप लोग कैसे, ठीक। ये रही छतरी, आप लोग देखिए, आप लोग मैं ठीक करके देखे, इसको वायर को हटाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ रहा वायर, ठीक। ये देखो तो सेटअप बॉक्स ऑन है, जब मैं देखो अब लगा रहा हूँ, ये देखो कस दिया है कि अब नहीं बंद हो, इसका मतलब क्या है कि दो वायर आपस में कहीं टच हो गए थे, इसके वजह से सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है। आप लोग इससे बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हो, बिना पैसों किसी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर पर ही सही करें। ऐसे ही पहले कनेक्टर को चेक करना है, कनेक्टर में जो वायर होते हैं, ठीक है, जो बाहर वाले जाली वाले वायर होते हैं, एक बीच में आपको दिख रहा है, दिखाता हूँ, ठीक है, ये कॉपर जैसा, आप लोग बीच और बीच वाले में एक भी वायर टच नहीं होना, अगर एक भी वायर टच होगा तो आपका सेटअप बॉक्स बंद हो जाएगा, आपस में वायर टच हो जाते हैं, इसकी वजह से सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है। कि इसे मत समझ लेना कि सेटअप बॉक्स ख़राब है, आपका सेटअप बॉक्स बिल्कुल सही, इसको पहले सही करें, आपका सेटअप बॉक्स बिल्कुल आसानी से चलने लगा। अगर आपके पास, ठीक है, मैं बता दूँ, अगर आपके पास मल्टीमीटर है, ठीक, अगर आपके मल्टीमीटर है तो करना क्या है कि इससे वायर कैसे चेक करेंगे कि आपको सही है कि ख़राब, ठीक, इससे आपको करना है कंटिन्यूटी मोड, ठीक, आपको देखा है साउंड वाला एरो दिख रहा है कि इस पर कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, एक वायर क्या करेंगे, एक वायर इस पर बाहरी वाले पर, जो दूसरा वायर रहेगा इस पर देखना, ठीक, बीप मार रहा है, इसका मतलब बाहर वाली लाइन सही है, आप एक बाहर वाले में रखना है और एक बीच वाले में रखना है, बीच वाले में बीप नहीं आना चाहिए, ठीक, बीच में नहीं आ, बीच वाले में लगाएंगे और इस वाले बीच में लगाएंगे, ठीक, इसका मतलब क्या है कि सही वायर है। आप लोग इसकी मदद से मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी मोड पर लगा के आप लोग सही कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और ध्यान देना, ठीक है, अगर सेटअप बॉक्स में डिश वाला वायर लगाने से बंद हो जा रहा है
तो आप लोगों को सेटअप बॉक्स में बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने वायर को चेक करें, कनेक्टर को चेक करें, कहीं मतलब कहीं कहीं बीच में होता है कि वायर ज्वाइंट कर लेते हैं, उसको चेक किए आपस में टच तो नहीं हो गए हैं। और आपको LNB को भी देख लेना है कि LNB में कुछ वायर वगैरह इसमें रह नहीं गए कि आपस में टच होने के कारण ही सेटअप बॉक्स डिस वाला वायर लगाने से बंद हो जाता है। आप ज़रूरी बात आप लोग देख सकते हैं डिटच वायर आप लोगों ने सही कर लिया है। ठीक, आपका सेटअप बॉक्स यानी तार तो सही कर लिया, इसके बाद आपका सेटअप बॉक्स ठीक नहीं बंद हो रहा। ठीक, LNB से आप लोग देख सकते सेटअप बॉक्स ऑन हो रहा है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, वो तरीका सही तरीका बिल्कुल ठीक। इसके बाद सिग्नल वाला बटन, आपकी रिमोट में सिग्नल वाला बटन होगा। ठीक, सिग्नल वाला बटन होगा P045, इसका मतलब है कि आपका वायर बिल्कुल सही हो चुका है, बिल्कुल वायर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे तो आपका वायर वाली दिक्कत सेटअप बॉक्स बंद हो जाता है बिल्कुल सही तरीका। ठीक है, इसमें नो सिग्नल क्यों दिखा रहा है P034। ठीक, इसका मतलब यह है कि ये छतरी अभी सेट नहीं है। आप लोगों की एहसास करोगे आपकी सेट रहेगी, आपकी बिल्कुल आसानी से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम होगी। आप लोगों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें।